यूरोप के सबसे खूबसूरत देश फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस यूरोप की वो जगह जहां आज भी दुनिया भर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। पेरिस में हर साल लाखों की तादाद में लोग यहां की खूबसूरती, यहां का खाना और यहां की रोमांटिक वाइब्स के लिए आते हैं। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में एक न एक बार पेरिस का एफिल टावर, मोनालिसा की पेंटिंग और पेरिस की खूबसूरती देखना जरूर चाहता है। लेकिन यूरोप के इस शहर को देखने के लिए हमारा कितना खर्चा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में जरूर आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप फ्रांस की कैपिटल पेरिस घूमने जाएं, आपका वहां आना जाना, रहना खाना पीना, इन सब का खर्चा कितना होगा। जी हां, आज हम आपको इन सब चीजों के खर्चे के बारे में आइडिया देंगे कि भारत से पेरिस तक की फ्लाइट कितने की होती है, पेरिस में होटल आपको कितने तक के मिल सकते हैं और आपको कौन सा होटल सूट करेगा, पेरिस के अंदर घूमने के लिए वहां के इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन कितनी की है, स्पेशली वहां की मेट्रो, पेरिस की सारी अट्रैक्शंस घूमने का क्या खर्चा होगा, या फिर अगर आप मल्टी अट्रैक्शन पास जैसे पेरिस पास लेते हैं तो उसका खर्चा कितना होगा, पेरिस में खाने पीने का खर्चा और अन्य चीजों का खर्चा भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अंत में हम ये सारे खर्चे का एक टोटल बजट बनाएंगे कि पेरिस में घूमने के लिए खर्चा टोटल कितना होता है। इसी के साथ साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि पेरिस में घूमने के लिए सबसे स्पेशल एप्स आपके फोन में आप कौन सी रखें जो आपको आपकी ट्रिप में हेल्प करेगी। तो हमारी वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स के खर्चे की। अगर आप यूरोप के बाहर रहते हैं तो आपको पेरिस जाने के लिए हम सजेस्ट करेंगे एक ही तरीका और वो होगा बाय फ्लाइट जाने का। पेरिस में अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो पेरिस के तीन एयरपोर्ट जिसमें सबसे पहला है चार्ल्स दे गोल, दूसरा है ओरली एयरपोर्ट और तीसरा है पेरिस का ब्यूवे एयरपोर्ट, इन तीनों में से एक एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे। अब अगर आपको इंडिया से पेरिस जाना है और यहां से पेरिस तक की फ्लाइट बुक करनी है तो वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। बस आपको गूगल पे जाना है और यहां लिखना है गूगल फ्लाइट्स, तो आपका जो गूगल फ्लाइट्स का लिंक खुलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये सबसे बेस्ट जगह है बेस्ट टू बेस्ट फ्लाइट्स के रेट्स पता करने की। अब जैसे हम पेरिस जा रहे हैं तो हम न्यू दिल्ली से पेरिस के फ्लाइट के रेट पता करने के लिए फ्रॉम न्यू दिल्ली टू पेरिस डालेंगे और अपनी प्रेफर्ड रेट पे सर्च करेंगे तो गूगल अलग अलग वेबसाइट पे आज के समय क्या रेट आ रहा है फ्लाइट्स का वो दिखा देगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे सस्ते से लेकर सबसे महंगे तक। तो न्यू दिल्ली से पेरिस की सितंबर 30 2022 की सबसे सस्ती फ्लाइट 52,000 के आसपास की है जिसमें आपकी वापसी होगी 4 अक्टूबर को। अब हमारा एक सजेशन है कि अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने अगर आप पहले बुक करते हैं तो आपको काफी सस्ती फ्लाइट मिल सकती है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं सितंबर 2022 में तो 30 सितंबर की फ्लाइट आपको मिली 52,000 में और अगर यही टिकट हम आपसे 2 महीने बाद की नवंबर की बुक करते हैं तो ये टिकट आपको पड़ सकती है तकरीबन 40,000 में। तो गाइस जैसे आपने देखा अगर आप 2 से 3 महीने पहले बुक कराते हैं तो सस्ती आपको टिकट पड़ सकती है। और यही नहीं, फ्लाइट की टिकट बुक कराने से पहले आप इसी गूगल फ्लाइट्स में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर का बटन क्लिक करते ही आपको सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सबकी टिकट्स का पता चल जाएगा। तो आप हो सकता है पेरिस के आसपास लैंड करें और पेरिस तक बाय कार या बाय ट्रेन आ जाएं अगर आपको सस्ती टिकट मिल रही है। तो फ्लाइट का खर्चा हम इंडिया टू पेरिस का आने जाने का मान के चल सकते हैं कि होगा तकरीबन 55,000 रूपए पर हेड का। तो अपनी टोटल एक्सपेंस शीट में हम फ्लाइट के सेक्शन में एड कर देंगे 55,000 रूपए। अब बात करते हैं वहाँ के होटल्स के खर्चे की। पेरिस में आपको हर तरीके के होटल्स अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5-स्टार होटल्स का रेट मिलेगा तकरीबन 400 से 500 यूरो पर नाइट का। जी हाँ, पेरिस में 5-स्टार होटल्स काफी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन अगर आप पेरिस में एक नॉर्मल होटल जिसमें एक फैमिली आराम से रह सके लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है पेरिस में आराम से 100 से 150 यूरो में। और अगर आप इससे भी सस्ता पेरिस में होटल लेना चाहते हैं, अगर आप अकेले हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ पेरिस घूम रहे हैं तो पेरिस में आपको आसानी से स्टूडेंट हॉस्टल्स और होम स्टेज या फिर एयरबीएनबी स्टूडियोज मिल जाएंगे जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन 40 से 50 यूरो पर नाइट की। तो पेरिस में हर तरीके के होटल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप पेरिस में होटल लें तो कहां लें। इसके लिए हमें पेरिस के मैप पे वापस जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेरिस 6 जोन्स में डिवाइडेड है तो हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप पेरिस के जोन नंबर 1, 2 या 3 के अंदर होटल लेते हैं तो आप पेरिस की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस आराम से घूम पाएंगे। और उसमें भी अगर आप नॉर्थ साइड होटल लेने की कोशिश करें तो वो और भी अच्छा रहेगा। पेरिस की सबसे ज्यादा अट्रैक्शंस आपको मिलेंगी सेंट्रल पेरिस में और अगर आपका होटल सेंट्रल पेरिस में है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हालांकि सेंट्रल पेरिस के होटल बाकी होटल से थोड़े एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। अगर आप पेरिस में होटल बुकिंग करने से पहले अपना एरिया डिसाइड कर लें कि आपको पेरिस में कौन से एरिया में होटल
होटल लेना है तो आपकी होटल बुकिंग काफी आसान हो जाएगी। पेरिस में होटल बुक करने की काफी सारी एप्स और वेबसाइट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। अगर आपको पता है कि आपको कौन से एरिया में होटल लेना है तो बस आप ऐसी ही किसी वेबसाइट पर जाके अपना होटल बुक कर सकते हैं। तो हमारे होटल का खर्चा पेरिस की ट्रिप का तकरीबन 3 दिन का हो सकता है लग्जरी होटल्स का तकरीबन 50,000 रुपए, नॉर्मल होटल्स का 20,000 और सस्ते होटल का तकरीबन 12,000 रुपए। अब बात करते हैं कि पेरिस में मेट्रो में घूमने का खर्चा कितना होता है। पेरिस के अंदर सबसे कामयाब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पेरिस की मेट्रो, जो कि फैली है पेरिस के 6th जोन तक। जी हाँ, पेरिस की मेन सिटी और पेरिस के आउटस्कर्ट्स यानी कि पेरिस रीजन तक पेरिस मेट्रो आपको ले जाएगी, जिसमें आपको तकरीबन मिलेंगे पेरिस मेट्रो के 300 स्टेशन। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो मानी जाती है और अगर आपके पास गूगल मैप्स की ऐप है तो आप पेरिस की मेट्रो और पेरिस में बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। पेरिस की मेट्रो की एक राइड आपको पड़ेगी तकरीबन 1.9 यूरो की और अगर आप पेरिस का पूरे दिन का पास चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। इसलिए पेरिस घूमने के लिए हम एक ऐसी टिकट लेंगे जिसमें एक ही टिकट से हम पेरिस के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो बस और ट्रैम पूरे एक दिन के लिए अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो पेरिस की मेट्रो का ये वन डे ट्रैवल पास होता है 3rd जोन तक के लिए 13.2 यूरो का और 4th और 5th जोन के लिए 27.8 यूरो का। तो हमने अपने पहले दिन पेरिस का 13.20 यूरो का वन डे ट्रैवल टिकट ले लिया। तो हमारी पेरिस का इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अगर हम मेट्रो यूज करते हैं तो हो सकता है तकरीबन 3500 रुपए पर हेड का। अब बात करते हैं कि पेरिस की सारी अट्रैक्शंस की एंट्री टिकट्स का टोटल खर्चा कितना होगा। पेरिस में घूमने के लिए वैसे तो बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, लेकिन आप अपने एक ट्रिप में जो कि 3 से 5 दिन का होता है ये सारी अट्रैक्शंस शायद ना कर पाए, क्योंकि पेरिस में 40 से ज्यादा अट्रैक्शंस ऐसी हैं जो कि आप घूम सकते हैं। जैसे पेरिस में जो सबसे ज्यादा फेमस अट्रैक्शंस हैं जो कि देखने दुनिया भर के कोने कोने से लोग आते हैं, उन अट्रैक्शंस में सबसे पहले आता है पेरिस का आईफिल टावर जो कि पेरिस के सबसे ऊंचे टावरों में से एक है। फिर आता है पेरिस का साकरे कू जो पेरिस की सेकंड मोस्ट अट्रैक्शन मानी जाती है। फिर आता है पेरिस का आर्क दे ट्रैम जहां है पेरिस की सबसे फेमस फैशन स्ट्रीट जिसे कहते हैं शांज़ेलीज़े। चौथे नंबर पे आता है पेरिस का नोत्र डैम कैथेड्रल जो कि पेरिस का सबसे बड़ा चर्च है। फिर आता है द लूव्र म्यूजियम जहां पे रखी है मोना लिसा की पेंटिंग और छठे नंबर पे हम कह सकते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल। इन सारी अट्रैक्शंस के अलावा भी पेरिस में ऐसी बहुत अट्रैक्शंस हैं जो कि आप पेरिस जाने पे विजिट कर सकते हैं। हालांकि पेरिस अट्रैक्शंस की लिस्ट बनाकर उनकी एंट्री टिकट के दाम हमने आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, आप पॉज करके इन सब जगहों की एंट्री टिकट देख सकते हैं। और हमने पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस की एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसमें इन सारी 34 जगहों के बारे में सेपरेट डिस्क्रिप्शन, उनकी एंट्री टिकट, उनकी खास बात, उनकी टाइमिंग सब कुछ डिस्कस कर रखी है। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके अट्रैक्शंस की सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारी अट्रैक्शंस घूमने का अगर आपको एक ऐसा पास मिल जाए जिसमें इन सारी अट्रैक्शंस की एंट्री फ्री हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा अगले सेक्शन में हम बात करेंगे पेरिस पास की। तो चलिए देखते हैं ये पेरिस पास क्या चीज है और ये पेरिस पास आप बुक कैसे कराएं। पेरिस पास की वेबसाइट है parispass.com। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि पेरिस पास गो सिटी के द्वारा ऑफर किया गया एक ऐसा पास है जिसमें आपको पेरिस की सारी अट्रैक्शंस सिर्फ एक ही टिकट से घूमने का मौका मिलेगा। जी हाँ, पेरिस की ऑलमोस्ट सारी अट्रैक्शंस जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सब आप सिर्फ एक ही पास खरीद के ये सारे अट्रैक्शन घूम सकते हैं। हर अट्रैक्शन में जाकर उसकी सेपरेट टिकट्स बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि पेरिस पास में पेरिस की कौन कौन सी अट्रैक्शंस इंक्लूडेड हैं। जैसे कि हमने देखा कि पेरिस पास में पेरिस की तकरीबन 80 से ज्यादा अट्रैक्शन इंक्लूडेड है, जिसमें आता है यहाँ का आईफिल टावर, यहाँ की हॉप एंड हॉप ऑफ बिग बस सर्विस, पेरिस का अमेजिंग पार्क एस्ट्रिक्स, यहाँ का लूव्र म्यूजियम, पेरिस का रिवर क्रूज, पेरिस का नोत्र डेम का वॉकिंग टूर, यहाँ की वाइन टेस्टिंग, आर्क दे ट्रैम, पेरिस के सबसे ऊंचे टावर के रूफ के ऑब्जर्वेशन डेक में जाने का मौका, साकरे कू जाने का मौका, पेरिस का फेमस एक्वेरियम और ऐसे 80 से ज्यादा अट्रैक्शंस पेरिस पास लेके घूमने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपको सिंपली पेरिस पास खरीदना है। खरीदने के लिए आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आपको कितने दिन के लिए पेरिस पास चाहिए। पेरिस पास अवेलेबल है 2, 3, 4 और 6 दिन के लिए। ये खरीदने के बाद आप अपने फोन में पेरिस पास की गो सिटी ऐप डालेंगे और उसमें लॉगिन करने के बाद आपका पास उस फोन में सिंक हो जाएगा। बस उसके बाद आपको हर अट्रैक्शन पे जाना है, अपना पेरिस पास अपने फोन पे दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपका 4 या उससे ज्यादा दिन का पेरिस पास है तो आपको अपने पास में इंक्लूडेड जितने भी म्यूजियम है उसके लिए एक अलग से म्यूजियम पास गो सिटी के पिकअप लोकेशन से उठाना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ म्यूजियम के लिए है। अब देखते हैं कि पेरिस पास कितने दिनों के लिए अवेलेबल है। पेरिस पास 4 तरीके का होता है, जिसमें 2 डे, 3 डे, 4 डे और 6 डे का पास आप ले सकते हैं, जिसके प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप बस इनमें से कोई भी पास सेलेक्ट करें और चेकआउट करते समय आप ये सेलेक्ट करेंगे कि आपको ये पास कौन से दिन के लिए चाहिए। जी हाँ,
पेरिस पास कहता है कि आपको हमें दिन बताना पड़ेगा कि कौन से दिन के लिए आपको ये पास चाहिए। हमने वो दिन सेलेक्ट किया और आगे क्लिक करके इसकी पेमेंट कर दी। पेरिस पास में कौन कौन सी अट्रैक्शन इंक्लूडेड हैं और उन अट्रैक्शंस को घूमने का क्या क्या तरीका है, ये आपको पेरिस पास की वेबसाइट पे जाकर उसकी अट्रैक्शन पे क्लिक करके पता चल सकता है। बस आप पेरिस पास की वेबसाइट पे जाएं, ऑल अट्रैक्शंस का पेज खोलें और किसी भी अट्रैक्शन पे क्लिक करें, जिससे आपको उस पर्टिकुलर अट्रैक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको वहाँ कैसे आना है, कैसे घूमना है और किस किस समय वो जगह खुली होती है। तो हमारी टोटल अट्रैक्शंस घूमने का खर्चा पेरिस में हो सकता है, अगर हमने पेरिस पास लिया तो, तकरीबन 10 से 12,000 रुपए पर हेड का। अब बात करते हैं कि पेरिस में खाने पीने का खर्चा कितना होगा। पेरिस की सबसे फेमस डिश आती है यहाँ के क्रेप्स, जो कि एक डेजर्ट है, यहाँ के फिश एंड चिप्स, फ्रांस की फेमस ब्रेड का ब्यूगो ब्रेड सैंडविच, फ्रांस की फेमस चीज, पेरिस के बर्गर्स एंड फ्राइज और यहाँ की गिलाटो यानी यहाँ की आइसक्रीम। पेरिस में टॉप प्लेसेस टू ईट की भी हमने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हमारे खाने पीने का खर्चा पेरिस में तकरीबन हो सकता है 3 दिन का अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपए पर पर्सन। अब पेरिस में एक्स्ट्रा और कौन कौन सा खर्चा होता है जो कि आप कर सकते हैं। पेरिस में इन सब खर्चे के अलावा हो सकता है आप अपने घर के लिए कोई सोविनियर खरीदना चाहें, या फिर हो सकता है कि आपको छोटा मोटा खर्चा और करना पड़े, तो उसके लिए आप तकरीबन 3,000 रुपए पर हेड का खर्चा अपने साथ लेके चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पेरिस का टोटल खर्चा कितना हुआ, उसको एक टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी एक्सपेंस शीट पेरिस की कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें अगर आप पेरिस फ्लाइट से जाते हैं तो आपका फ्लाइट का आने जाने का खर्चा तकरीबन हो सकता है 40 से 50,000 रुपए। होटल में अगर हम पेरिस में 3 डेज पेरिस ट्रिप की बात करें तो उन 3 दिन का आपका होटल का खर्चा होगा तकरीबन लग्जरी में 50,000 रुपए, नॉर्मल होटल्स 20,000 और सस्ते होटल्स होम स्टे या हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे तकरीबन 12,000 रुपए में। अगर आप पेरिस के अंदर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए पेरिस की मेट्रो या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक यूज करते हैं तो आपका 3 दिन का मेट्रो का खर्चा होगा पेरिस में तकरीबन 3 से 3,500 रुपए। पेरिस में अट्रैक्शन घूमने के लिए अगर आप पेरिस पास लेते हैं 3 दिन का तो उसका खर्चा आपका तकरीबन 12,000 रुपए का होगा। खाने पीने का खर्चा 3 से 4 दिन का पेरिस में हो सकता है तकरीबन 16,000 रुपए पर हेड का। और इसके अलावा भी अगर आप कोई सोवेनियर खरीदते हैं या कोई छोटी मोटे एक्सपेंस करते हैं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस में हम 3,000 रुपए पर पर्सन पेरिस में लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पेरिस का एक लग्जरी ट्रिप करने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 135,000 से 140,000 तक। एक नॉर्मल ट्रिप हमारा बन सकता है 100,000 से 110,000 तक और सबसे सस्ता ट्रिप आपका पेरिस का 100,000 तक का बन सकता है। गाइस, इसी के साथ साथ आप पेरिस में जब भी घूमने जाएं तो ये कुछ एप्स हैं जो अगर आपके फोन में होंगी तो आपको ये सारे खर्चे करने में हेल्प करेंगी, बुकिंग में हेल्प करेंगी और हो सकता है कि आपका पेरिस का ट्रिप काफी आसान हो जाए। तो आइए जानते हैं इन एप्स के बारे में। सबसे पहले फ्लाइट के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप यूज करें गूगल फ्लाइट्स, जहां पे आप डायरेक्टली अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस दिन आपको जाना है उस दिन सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है। पेरिस में होटल्स बुक करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे booking.com, hostels.com या फिर Airbnb की ऐप। फ्रांस में अगर आप सिर्फ पेरिस नहीं घूम रहे और बाकी सिटीज भी घूम रहे हैं तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आपको ट्रेन बुक करनी पड़ेगी और ट्रेन बुक करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे फ्रांस की TGV इनआउट प्रो ऐप और ओमियो ऐप। अगर आप फ्रांस में इंटरसिटी बाय कार ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी कार हायर करके सेल्फ ड्राइव कार चाहते हैं, तो हम कार के लिए आपको ऐप सजेस्ट करेंगे एविस की ऐप या फिर कार पूलिंग के लिए हम सजेस्ट करेंगे ब्लाबला कार। पेरिस के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर या साइकिल हायर करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे टियर ऐप। और जैसे कि हमने पहले भी बताया, पेरिस की सारी अट्रैक्शंस की टिकट एक साथ बुक करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे पेरिस पास की गो सिटी ऐप। इन सारी एप्स में आप कैसे बुकिंग करें इसकी हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी पेरिस में घूमने की एक कंप्लीट एक्सपेंस शीट की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके ये वीडियो काम जरूर आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके काम जरूर आएगी तो आप हमारी मेंबरशिप लेके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बस लाल बटन दबा के बेल आइकन दबाएं और उसके बाद दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। इसी वीडियो के साथ साथ हमने पेरिस की कंप्लीट गाइड वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। और आप हमारी पेरिस की पूरी व्लॉग सीरीज भी देख सकते हैं, जिसमें हम कैसे पेरिस घूमे ये आपको सीरीज में पता चलेगा। तो इट वॉज वेरी वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन